एरिया अंडर अ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और हमें ये बताना है कि उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या रहेगी। तो बेटा माइंड में रखो, जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, सी आई एफ ड्रॉन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस कवर्ड। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट को। तो मैं इधर लिख देता हूँ, पहले एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये क्लियर है इतना? अब सब बच्चों को बेटा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की यूनिट तो पता ही होगी, दैट इज मीटर। लेकिन वो मीटर यूनिट कैसे आई है, ड्राइव कैसे हुई है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। एक बार देख लेते हैं कि कैसे हुई। तो इसके लिए बेटा हम मान लेते हैं कि एक बॉडी है या ऑब्जेक्ट है या एक कोई कार है या कोई भी व्हीकल है, मान लो 5 सेकेंड के लिए ट्रेवल करता है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग। 5 सेकेंड के लिए ट्रेवल करता है, तो 5 सेकेंड कहाँ है ये? यहाँ से आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस। तो आप अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और अप टू 5 सेकेंड तक क्या फिगर फॉर्म हो रही है, ध्यान से देखो बेटा। इट इज अ ट्रायंगल, इजंट इट? ट्रायंगल ही है ना, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखो बेटा। दिस ट्रायंगल इज बीइंग फॉर्म्ड। और डिस्टेंस कवर क्या होगा? विल बी एक्चुअली द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया होगा। सो आई एम राइटिंग डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2, बेस कितना बेटा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बेस यहाँ से लेके 0 से लेके 5 तक, 5 यूनिट है ना, तो बेस को हम 5 यूनिट लिख देते हैं। और हाइट क्या रहेगी इसकी? हाइट ये वाली होगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, ये किसके पैरेलल थी? पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल थी। और अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये कहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रही है? अप टू हेयर, यानी कि समवेयर एट 5 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 6 के बीच में ना, तो हम 5 मीटर पर सेकेंड कह लेते हैं, यानी कि इसकी हाइट कितनी हुई बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी के इक्वल ही है ना हाइट। अप टू द हाइट, हमें वेलोसिटी एक्सिस को भी अप टू द हाइट ऑफ द ट्रायंगल देखना है, तो 5 आ रहा है। अब इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्टेंस कवर देखो क्या आएगा, 25/2, और इसको 12.5 लिख देंगे। अब इसकी यूनिट भी देख लेते हैं बेटा। वैसे तो एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर होती है, लेकिन अभी तो हम स्क्वायर मीटर नहीं लेंगे क्योंकि हमने डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस तो हम मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर कैसे आई उसकी यूनिट? तो ध्यान से देखना बेटा, जब हमने बेस लिया था, क्या लिया था? बेस, बेस हमने अलॉन्ग टाइम एक्सिस लिया था, और टाइम एक्सिस क्या होता है बेटा? टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट किसके इक्वल ली थी बेटा? वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। पर का मतलब डिवाइड ही होता है बेटा, तो पर मीन्स एवरी 1 सेकेंड, तो डिवाइडेड बाय 1 होता है, तो इसलिए हम पर सेकेंड को ऐसे लिख सकते हैं। तो सेकेंड और सेकेंड कट हो गए, तो यूनिट क्या आई बेटा? मीटर। सो आवर आंसर इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट बी एम 4 मीटर।